deswegen habe ich dich vorhin auch gefragt. When I sang and danced and passed in the state. Grows high and brown, where I dragged you straight to the muddy ground, and you sent me back to where I roam. When I cursed and I cried, but now I know, now I know. And I ran back to that hall again, when the moon was just a silver bell. Diamond straight back into the cold. तो इस समय हम लोग आ चुके हैं सेकंड मार्केट में. ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये इधर जो है वो फर्स्ट क्रिसमस मार्केट लगा हुआ है और इस साइड जो है वो सेकंड क्रिसमस मार्केट लगा है. अब हमें चलते चलते पता चला इसका भी, तो चलिए हम इसका भी चलते चलते इसको भी एक्सप्लोर कर ही देते हैं. तो चलिए यहाँ से जो यहाँ का जो क्रिसमस मार्केट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो चलिए इसको देखने के लिए चलते हैं. ये यहाँ से स्टार्टिंग में कुछ ऐसा दिखता है और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है. तो इस समय मैं मॉल में आ चुकी हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी बाहर. तो इस समय हम लोग हैं मॉल में. मैं आपको कुछ एक स्पेशल चीज़ दिखाना चाहती हूँ. मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पे क्रिसमस ट्री खड़ा है और यहाँ क्रिसमस ट्री पे लोगों ने अपनी विश लगा रखी है, यानी कि अपनी विश लगा रखी है, अपना नाम लिख के और अपनी विश यहाँ पर लिख रखी है. Bye.
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस टाइप की नमकदानी है यहाँ पे, और उधर साइड में कैट है, चूहा है और फिश की भी है। मैं आपको यहाँ पे माही जी की हालत दिखाती हूँ, मैं इनसे पूछती हूँ कि इन्हें क्रिसमस मार्केट में आके कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं माही जी से। ये है वो शख्स जब मेरे साथ आए थे, ये बिना टोपे के साथ और बिना स्कार्फ तो लेके आए हैं, लेकिन बिना ग्लव्स के साथ आए थे। इन्हें ग्लव्स जो है वो मेरे मार लिए। अब इनसे हम पूछते हैं कि इन्हें कैसा लग रहा है। बहुत ठंड है, बहुत। ये देखिए, ये है मेरा शॉल, ये है मेरा न्यू शॉल। क्योंकि मैं अपना शॉल जो है वो घर में भूल गई थी और मैं यहाँ पे मॉल में आई हूँ, तो मुझे ये शॉल बहुत पसंद आया तो मैंने इसलिए से परचेज कर लिया। और आप मुझे बताइएगा कि मेरा शॉल कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको शॉल कैसा लगा। कैसा लग रहा है? तो इस समय मैं हूँ एक मॉल में और हम्बर्ग के क्रिसमस मार्केट में मैंने जितने भी क्रिसमस ट्री देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा और सबसे खूबसूरत जो ट्री है, क्रिसमस ट्री है, वो ये है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा मुझे। मैंने अभी तक जितने भी क्रिसमस ट्री देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे खूबसूरत लगा है वो ये है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ऊँचा है और कितना खूबसूरत है। इसे बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ऊंचा है और मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा। ये वो मॉल है, जब मैं जर्मनी में आई थी तो फर्स्ट टाइम मैं जिस मॉल में आई थी वो ये मॉल है। आपको इस क्रिसमस ट्री के अच्छे से दर्शन कराती हूँ। आप देख सकते हैं ये बहुत ऊंचा है, अभी भी रुकी, अभी भी इसका अंत नहीं हुआ, ये बहुत ऊँचा है। और इसके साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ जी एनिमल्स की मतलब डिज़ाइन बना रखा है। तो ये था मेरा क्रिसमस का छोटा सा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
वीडियो को फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इस समय हम लोग जा रहे हैं घर, तो मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।